झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यूक्रेन में युद्ध और वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ने से ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया है, जिसका भारत पर बड़ा असर पड़ा है। 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का कच्चे तेल का आयात बिल लगभग दोगुना होकर $119 अरब हो गया है। वहीं तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल यानी कि PPAC के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल खपत करने वाले और आयात करने वाले देश भारत ने 2021-22 में $119.2 बिलियन खर्च किए, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये $62 बिलियन खर्च किए गए थे। सिर्फ मार्च में ही $13.7 बिलियन खर्च किए गए हैं। ये तब हुआ जब मार्च में तेल की कीमतें 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। पिछले साल के इसी महीने में $8.4 अरब खर्च किए गए थे। बता दें कि तेल की कीमतों में जनवरी से वृद्धि शुरू हुई और मार्च की शुरुआत में करीब $140 अमेरिकी प्रति बैरल के आंकड़े तक ये पहुंच गई है। हालांकि कीमतों में तब से गिरावट आई और अभी ये $106 अमेरिकी प्रति बैरल के आसपास है। वहीं PPAC के अनुसार भारत ने 2021-22 में 212.2 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया, जो पिछले वर्ष 196.5 मिलियन टन था। हालांकि ये 2019-20 में 227 मिलियन टन के पूर्व महामारी आयात से कम है। वहीं 2019-20 में तेल आयात पर खर्च $101.4 अरब था। बता दें कि आयातित कच्चे तेल को ऑटोमोबाइल और अन्य उपयोगकर्ताओं को बेचे जाने से पहले तेल रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। भारत कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर 85.5% निर्भर है, लेकिन देश के पास सरप्लस रिफाइनिंग कैपेसिटी है और ये कुछ पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है। हालांकि रसोई गैस LPG का उत्पादन कम है, जिसे सऊदी अरब जैसे देशों से आयात किया जाता है। वहीं देश ने 2021-22 में 202.7 मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादन की खपत भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुँचाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।